हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में लोकेशन को कैसे बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने कंप्यूटर में लोकेशन को बंद करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप सेटिंग में चले जाइए। तो मैं यहाँ से सेटिंग पर चल जाता हूँ। सेटिंग के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी के ऊपर चले जाना है। तो यहाँ प्राइवेसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, प्राइवेसी के अंदर आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए आपको लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने प्राइवेसी के अंदर ओपन के ऊपर के ये जितने ऑप्शन दिख रहे हैं इनके ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं बस लोकेशन वाले ऑप्शन को ही कवर करूंगा। तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए कैसा पेज आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बताने के लिए बहुत चीज़ है तो मैं एक एक चीज़ को कवर करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन फॉर दिस डिवाइस इज ऑन। तो दोस्तों, अभी हमारे जो डिवाइस की लोकेशन है वो ऑन है, तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से बटन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लोकेशन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अब नीचे चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जो कि लोकेशन का यूज़ करती है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं आप अपने कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन को लोकेशन ना दे, तो इसको बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक बटन दिया हुआ है, जैसे इसको आप ऑफ कर देंगे तो आपके सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन होगी वो लोकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जिनको लोकेशन की परमिशन चाहिए होती है, तो आप मैन्युअली भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको सभी की नहीं देनी होगी, जिन एप्लीकेशन को आपको लोकेशन देना चाहते हैं उनको दे सकते हैं, तो मैं भी आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ से भी इसको आप ऑन कर दीजिए। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को लोकेशन नहीं देना चाहते तो बंद कर दीजिए। अब दोस्तों, अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिफॉल्ट लोकेशन। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विंडोज एप्स एंड सर्विसेज कैन यूज वी कैन नॉट डिटेक्ट एनी मोर लोकेशन ऑन दिस पीसी। तो दोस्तों, हमारी जो करंट लोकेशन होती है बस ये यहाँ पे दिखा देगी। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी जो भी लोकेशन होगी वो यहाँ पे मैप पे दिखा जाएगी। तो इसको आप मैनुअली देख लीजिएगा कि आप करंट में आपकी लोकेशन कहाँ पर है। दोस्तों, अगले ऑप्शन के बारे में बात करना है कि लोकेशन हिस्ट्री। तो दोस्तों, यहाँ पे वो लोकेशन दिखती है कि आपका आपके जो भी हिस्ट्री होगी, यानी आप अगर ट्रैवल वगैरह करते हैं, अपने डिवाइस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो आपकी लोकेशन की हिस्ट्री कंप्यूटर में सेफ रहती है। अगर दोस्तों उन सभी हिस्ट्री को आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लियर कर दीजिए। आपकी जितनी भी पुरानी हिस्ट्री अगर आपके कंप्यूटर में होगी वो डिलीट हो जाएगी। अब दोस्तों, हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशन दिखेगी जो कि लोकेशन का यूज़ करती है। तो दोस्तों, यहाँ से आप मैन्युअली किसी भी एप्लीकेशन का लोकेशन ऑन और ऑफ कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अब दोस्तों, अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो कि अलाउ डेस्कटॉप एप्स टू एक्सेस योर लोकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही ये बटन ऑफ होगा तो आपके डेस्कटॉप पे जितनी एप्लीकेशन होगी, ये देखिए दोस्तों, इसी को डेस्कटॉप कहा जाता है। तो यहाँ पे जितनी एप्लीकेशन होती है उनको डेस्कटॉप एप्स कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये बटन ऑफ होगा तो आपके डेस्कटॉप वाली कोई भी एप्लीकेशन लोकेशन एक्सेस नहीं कर पाएगी। बैकग्राउंड वाली कर सकती है लेकिन डेस्कटॉप वाली नहीं कर पाएगी। और दोस्तों, जैसे ये ऑन होगा तो आपकी जो फ्रंट पे होगी यानी डेस्कटॉप पे होगी वो लोकेशन का यूज़ कर सकती है। अब दोस्तों, अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो कि जियो फर्निशिंग। तो यहाँ पे देखिए जियो फर्निशिंग के बारे में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जियो फर्निशिंग मीन्स यूजिंग लोकेशन टू सी व्हेन यू क्रॉस इट क्रॉस इन और आउट ऑफ बाउंड्री ड्रॉन अराउंड द प्लेस। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि जब हम किसी मैप के अनुसार किसी बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, यानी हमारे कंप्यूटर में जो भी मैप होगा, अगर उस मैप के अकॉर्डिंग हम किसी स्टेट की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं या किसी कंट्री के बाउंड्री को अगर क्रॉस करते हैं, तो हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप इसका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको ये लोकेशन वाला वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मेरा मेन मोटिव था लोकेशन को ऑन ऑफ कैसे करना ये बताना। उसके साथ ही साथ दोस्तों, मैंने नीचे की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को भी कवर कर दिया। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।